हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ शकरपारे की रेसिपी। दिवाली आ गया है और दिवाली में हर घर में शकरपारे बनाए जाते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट शकरपारे की रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसा कि आप आवाज़ सुन सकते हैं, ये बहुत ही क्रिस्पी बना है ऊपर से और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है, जो आपके मुँह में जाते ही मेल्ट हो जाएगा। तो चलिए से बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम बोल में डालेंगे 2 कप मैदा। आप चाहें तो मैदा आटा मिक्स करके ले सकते हैं या फिर सिर्फ आटे से भी बना सकते हैं। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे 3/4 कप पिसी हुई चीनी। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे 2 चुटकी नमक। किसी भी मीठे में नमक ऐड करने से उसका जो टेस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे 1/2 छोटा चम्मच हरी इलायची पाउडर। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 बड़े चम्मच देसी घी। और आप देख सकते हैं कि घी जो है वो थोड़ा थोड़ा सा जमा हुआ है, पूरा लिक्विड ही नहीं है। तो आपको भी बिल्कुल ऐसा ही घी ऐड करना है जो थोड़ा थोड़ा सा जमा हुआ हो। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से ये बन रहा है, इस तरह से ये बनना चाहिए। अगर इस तरह से ना बंधे तो आप इसमें 1/2 या फिर 1 चम्मच घी और ऐड कर सकते हैं। और अब हमें इसका डो लगाना है, मीडियम सॉफ्ट डो लगाना है हमें इसे। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना है, बहुत सॉफ्ट नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा करके आप पानी ऐड करें और इसे मिक्स करते जाएं। और जैसा कि हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं मसलते हुए, वैसा आटा नहीं लगाना है हमें। इन सब को सिर्फ जोड़ना है पानी डाल डाल कर, मसलना नहीं है इसे अभी। तो आप इसे पानी डाल डाल के बस जोड़ते जाएं। तो ये देखिए, डो को मैंने रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत सॉफ्ट भी नहीं है। और अब हम इसे रख देंगे 1/2 घंटे के लिए, जिससे कि अच्छे से सेट हो जाएंगे। और उसके बाद जो हमारे शक्करपारे वो बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगे। तो 1/2 घंटा हो गया, आप देख सकते हैं कि डो जो है वो पहले से थोड़ा सा हार्ड भी हो गया है। तो इसे हम स्मूथ कर लेंगे सरफेस पे रख के। 2 मिनट के लिए आप इसे नीट कर लें इस तरह से, जैसे कि मैं कर रही हूँ वीडियो में। और अब हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। आप चाहे तो पूरा एक साथ भी बेल सकते हैं इसे बड़ा सा। मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड करके बेलूंगी। तो ये देखिए, मैंने बॉल बना लिया है। इसमें कोई भी तेल या फिर हम आटा नहीं लगाएंगे इसे बेलने के लिए, ये बहुत इजीली रोल आउट हो जाता है। तो इसे हम बेलेंगे। और इसकी थिकनेस कितनी रखनी है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो ये देखिए, मैंने इसे बेल लिया है। आप देख सकते हैं इसकी जो थिकनेस है वो 1/2 इंच जितनी है, क्योंकि अभी जब ये फ्राई होंगे तो ये फूल के और बड़े हो जाएंगे। तो पहले हम इसे साइड से कट कर लेंगे। और यहाँ पर मैं इसे स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ। आप चाहे तो डायमंड में भी कट कर सकते हैं, किसी भी शेप में। तो ये देखिए, इसकी जो मोटाई है वो 1/2 इंच जितनी है, ये भी फ्राई होके और फूल जाएंगे। तो अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने गैस पर ऑयल गरम किया है और ऑयल जो है वो मीडियम हॉट है। आप देख सकते हैं कि इसमें शक्करपारे डालने पे धीरे धीरे छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ ये फ्राई नहीं हो रहा है। तो इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। अगर आप इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ऊपर ऊपर से कलर आ जाएगा। और अगर आप इसे बिल्कुल लो पर फ्राई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा तेल सोक कर लेंगे अपने अंदर। तो आप इसे लो टू मीडियम के बीच में फ्राई करें। और इसे फ्राई करने में करीब 6 से 7 मिनट लगेंगे आपको। तो ये देखिए, शक्करपारे पे काफ़ी अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। और इसके ऊपर जितने भी क्रैक्स हैं ये साइन है कि ये अंदर से भी अच्छे से कुक हो गया है और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बना है। तो अब हम इसे बाहर निकालेंगे एक एब्जॉर्बेंट पेपर पर। ये देखिए कितना ज़्यादा ये क्रिस्पी बना है, ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। ये बिल्कुल परफेक्ट शक्करपारा बन के रेडी हो गया है। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।